एवरीवन, चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल का हलवा। वैसे तो आपने शादी पार्टी में मूंग की दाल का हलवा खाया ही होगा, तो चलिए फटाफट आप भी अपने घर में बना सकते हैं ये चीज़, और बहुत ही कम समय में। देखिए बिल्कुल दानेदार, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल दानेदार, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना है। तो फटाफट चलिए आप अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो ये मूंग दाल देखिए, ये 3 घंटे हो गए हैं, ये अच्छे से भीग गए हैं। अब चलिए इसको हम लोग छान लेते हैं। पहले एक बार मूंग को धो लूँगी, फिर दूसरे पानी से एक बार और वॉश करूँगी। अब ये मूंग को धो लिए हैं, अब इसको पीस लेंगे। तो ये हम लेंगे एक पैन, इसमें डाल देंगे देसी घी। ये मैं एक कटोरी मेजर करके डाल रही हूँ, इसी में मैंने लिया था मूंग का दाल। और थोड़ा सा और डाल देती हूँ, अब इसको गर्म होने देते हैं। और देखिए ये मूंग का दाल का ये पेस्ट मैंने बना दिया है, दरदरा पीसा है। तो ये ऑयल गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच बेसन। अब इसको हम चलाते जाएंगे। इसका झाग रिलीज हो जाएगा तब तक इसको चलाना है, इसको अच्छे से भूनना है। और इसका फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। देखिए इसका झाग कम हो रहा है, मतलब ये भून गया है। तो अब हम मूंग की दाल का ये जो पेस्ट बनाए हैं इसको डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड, ये मैंने डाला है, उसके बाद घी इसमें रिलीज हो जाएगा, अपने से छोड़ेगा, तब तक इसको भूनना है। और चलाते रहना है। ये मैंने 3 कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी चीनी डाल देती हूँ। और आप अगर शुगर कम खाते हैं तो इसमें ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने 1/2 कटोरी ब्राउन वाला शुगर लिया है, अब इसको हम लोग अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। ये मैं इसमें छोटा सा ऑरेंज का कलर डाल देती हूँ, उसको एक साथ हम लोग मिक्स कर लेते हैं। ये मैं फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फूड कलर नहीं भी डालें तो ऐसे ही बना सकते हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इसमें। तो अब देखिए इसमें हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स में जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें मैं थोड़ा सा नारियल का चूरा भी डाल देती हूँ। ये जो हम लोग चीनी का पानी बनाया है उसको डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे इसको और चलाते रहना है। ये 3 से 4 इलायची मैंने कूट के ये जो पानी है इसमें डाल दिया है, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालते जाएंगे, इलायची पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पैन देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ऑयल रिलीज हो रहा है। और ये जब दरदरा अच्छे से हो जाएगा तो हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है। देखिए इसमें जो भी घी था, ऑयल था, ये रिलीज हो रहा है। देखिए
इसको चलाने में भी आसानी हो रहा है, मतलब हमारा हलवा बनके रेडी होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली ये हमारा मूंग के दाल का हलवा बन गया है। ये मैंने ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया है। आई होप सो आप सभी को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ चलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने घर में आप बना के देखिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी और कम समय में बनने वाला है। ओके फ्रेंड, बाय।